नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनिया शर्मा। वक्त हो चला है खबरों का, तो आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट के अनुसार बारा में प्लांटेशन पर अवैध कब्जा कर सरसों की फसल खड़ी की। संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट के अनुसार बारा में अजरोड से बहराई तक पक्की सड़क बनी हुई है। विभाग द्वारा 2 किलोमीटर का कच्चा टुकड़ा छोड़ दिया है, इस कारण राहगीरों को आने जाने में दिक्कत होती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने फूल सिंह यादव के मकान से बहराई तक का टुकड़ा कच्चा छोड़ दिया है। संवाददाता राजेश खुरवाल की रिपोर्ट के अनुसार बूंदी में जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष योगेंद्र एकता कासलीवाल व सचिव सुरेंद्र संगीता छाबड़ा निर्वाचित। संवाददाता सुरेश पायता की रिपोर्ट के अनुसार ICICI बैंक द्वारा इंदिरा क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लगाया शिविर। संवाददाता देवीलाल भील की रिपोर्ट के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेलाना में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को ओसवाल कंपनी की ऊनी शॉल भामाशाह स्वर्गीय श्रीमती भंवरी बाई स्वर्गीय गहरी लाल सूर्य की स्मृति में उनके सुपुत्र मदन लाल सुशीला देवी सूर्या पोत्र दीपक प्राची पोत्री जमाई पंकज डिम्पल पोत्री सोनल पड़पोत्री मायशा धियाना दोहिती नव्या और सूर्या परिवार ढिलाना विक्रोली द्वारा वितरित किया गया। राजेश खोरवाल की रिपोर्ट के अनुसार बूंदी में जिले के अति कुपोषित बच्चे को MTC सेंटर में मिले संपूर्ण उपचार। संवाददाता राजेश खुरवाल की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद ने अपनी मांग का मुख्यमंत्री के नाम तालेड़ा SDM को सौंपा ज्ञापन। किशन सिंह गहलोत की रिपोर्ट के अनुसार कोटा में 40वां रक्तदान कर मनाया जन्मदिन। रक्तदान से ईश्वर के बनाए मानव जीवों की मदद करें, डॉक्टर निधि प्रजापति का ये कहना है। संवाददाता दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट के अनुसार एंकर कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 शातिर बदमाशों को हथियार सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल। संवाददाता दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ उसी की स्टूडेंट द्वारा फिजिकल रिलेशन के लिए दबाव बनाने का मामला थाने में दर्ज होने के बाद यूनिवर्सिटी में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए देश हित की बात मातृभूमि न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।